जहाँ सो आज हम लेके आ चुके हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें हम टेस्टिंग करने वाले हैं इन दोनों टॉयज की। तो इन दोनों टॉयज में एक है हमारी रिमोट कंट्रोल कार जो बहुत पावरफुल कार है, और एक है हमारा हैप्पी पिगी जिसे हम हैप्पी डेंट पिगी भी कहते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इनकी पावर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो आज के इस टेस्टिंग में हम इन दोनों की पावर टेस्टिंग का पता लगाने वाले हैं कि इन दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो अभी कुछ लोग कहेंगे कि यार ये इसमें क्या है, अभी मैं बता देता हूँ कौन सी ज़्यादा पावरफुल है। ये वाली कार बड़ी है तो यही ज़्यादा पावरफुल होगी, या फिर कुछ लोग कहेंगे कि यार ये इसमें ज़्यादा पावर होगी, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से चल जाती है। तो यार मैं बता दूँ कि ये कार जहाँ जहाँ चल जाती है वहाँ पर ये नहीं जा पाती है, और ये जहाँ पर चला जाता है वहाँ से ये नहीं जा पाती है, पता नहीं ये कहाँ कहाँ निकल जाते हैं। तो जब तक आप वीडियो को पूरी नहीं देखेंगे तब तक यार कैसे बताएंगे कि ये पावरफुल है या फिर ये पावरफुल है। आज के इस वीडियो में हम पतली सी रस्सी बांधेंगे और दोनों को ऑन करेंगे और देखेंगे कि कौन किसे खींचती है, ये वाली कार इसे खींचेगी या फिर ये पिगी इस वाली रिमोट कंट्रोल कार को खींचेगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। और यार अगर वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर ना भी पसंद आए तब भी इसे लाइक कर देना, क्योंकि लाइक हमारा रियल मोटिवेशन होता है जिससे हम आगे भी वीडियोस बनाने के लिए उत्साहित होते हैं। यार आप सभी को नहीं पता होगा कि इन वीडियोस को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, वीडियोस को बनाने के बाद इन्हें एडिट भी करना पड़ता है और उसके बाद वीडियोस को अपलोड करना पड़ता है। तो यार इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और इसके बावजूद भी हम आपसे क्या मांगते हैं, केवल एक लाइक ही तो मांगते हैं। यार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस रिमोट कंट्रोल कार की पावर कैपेसिटी की, तो आप सभी देख सकते हैं इस वाली वीडियो में कि ये वाली रिमोट कंट्रोल कार कहां कहां से निकल जाती है, कैसे चलती है, आगे चलती है, पीछे चलती है। तो कई जगह से ये निकल जाती है, अगर हम इसे ज़मीन पर चलाएं तो ज़मीन पर भी चल जाएगी और मैट पर भी चल जाएगी, तो कई जगहों पर ये चल जाती है। और इसमें लाइटें भी जलती हैं, आप सभी देख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें इस वाली हैप्पी पिगी की, जिसे हम हैप्पी डेंट पिगी भी कहते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसे जहाँ पर हम रख देते हैं वहाँ पर चढ़ता चला जाता है, कहीं पर नहीं रुकता है। अगर कहीं पर दीवार आ जाए या फिर ऊंचा स्थान आ जाए तो वहाँ से ये ऊपर से घूमकर फिर से चलने लगता है। मैं तो ये कहता हूँ कि इसके लिए कोई रुकावट ही नहीं है, ये सब कहीं से निकल जाता है। तो और हमारी ये वाली जो कार है ये हमारी फर्स्ट पे बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है, पावरफुल ये भी है। तो चलिए इसके बाद हम इन दोनों के पीछे धागा बांधकर देख लेते हैं और देखते हैं कौन किसे खींच कर ले जाती है। तो आप सभी को इस वीडियो को जरूर बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम इसमें धागा बांधेंगे और फिर इस कार को ऑफ करेंगे, इसे ऑन करेंगे और देखेंगे कि ये हमारा जो पिगी है ये आरसी कार को खींच पाता है या फिर नहीं। ओके, और इसके बाद जो टेस्ट होगा उसमें हम इस आरसी कार को ऑन करेंगे और अपने हैप्पी पिगी को ऑफ करेंगे और देखेंगे कि हमारी आरसी कार इस हैप्पी पिगी को ऑफ होते हुए खींच पाती है या फिर नहीं। ओके, और उसके बाद जो टेस्ट होगा वो सबसे मेन टेस्ट है, जिसमें हम दोनों टॉयज को ऑन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा टॉय एक दूसरे को खींच पाता है। ये वाली आरसी कार इस हैप्पी पिगी को खींच पाएगी या फिर ये हैप्पी पिगी इस वाली आरसी कार को खींच ले जाएगा। तो यही टेस्टिंग होगी। यार भले ही चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा लेकिन एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए धागा बांध लेते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं हमारा धागा बंध चुका है, और इसके बाद हम सबसे पहली वाली टेस्टिंग कर लेते हैं। अब हम इस वाली कार को ऑफ करेंगे और इस हैप्पी पिगी को ऑन करेंगे और देखेंगे कि इस वाली आरसी कार को ये वाला हैप्पी पिगी खींच पाता है या फिर नहीं। तो अभी ये ऑफ है और इस वाले हैप्पी पिगी को हम ऑन करते हैं। आप सभी देख सकते हैं कि ये वाला हमारा हैप्पी पिगी ऑन हो चुका है, और देख सकते हैं इसकी पावर कितनी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। आई थिंक कैमरे में सही से दिख भी नहीं रहा है कि इसकी पहिया कितनी तेज़ी से चल रही है। तो अब इसे रखते हैं और देखते हैं कि हमारी कार को खींच पाएगा या फिर नहीं। तो ये वाला टेस्ट हो गया, और अब हम करने वाले हैं अपनी इस वाली कार को ऑन और देखेंगे कि ये वाली कार इस छोटे से पिगी को खींच पाती या फिर नहीं। तो हमारा ये कार ऑन हो चुकी है, और इसके बाद हम रिमोट को बटन को दबाते हैं और आप सभी देखिएगा कि ये चलती है या फिर नहीं। तो आप सभी देख सकते हैं कि इसकी पहिया घूम रही है और आगे लाइटें भी जल रही हैं, आप सभी देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये हमारी कार ऑन हो चुकी है, और इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अब हम बटन को दबाते हैं और देखते हैं कि ये हमारी कार
इस पिगी को आगे बढ़ा पाती है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हमारी रस्सी टाइट है और अब बटन को टैप करते हैं। तो ये आप सभी देख सकते हैं कि हमारी कार अभी आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो थोड़ा सा पीछे बढ़ाकर देखते हैं कि ये खींच पाएगी या फिर नहीं। अब हम बटन को टैप करते हैं। आप सभी देख सकते हैं कि ये जो हमारी कार है ये खींच नहीं पा रही है हमारे इस पिगी को। फिर से देखते हैं तो ये नहीं खींच पा रही है हमारे इस पिगी को। फिर से देखते हैं तो यार ये मुझे लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये हमारी ये ब्लैक वाली कार इस छोटे से पिगी को खींच नहीं पाएगी। तो यार इसीलिए मैं कहता हूँ पूरी वीडियो देखा करो, क्योंकि कभी कभी जो छोटा लगता है वही बड़ा हो जाता है। ओके, ये छोटा पहले लग रहा था कि यही हारेगा, क्योंकि ये वाली कार बड़ी लग रही है। ओके, तो अगली टेस्टिंग भी हम कर लेते हैं जो सबसे मेन टेस्टिंग है, इसी में क्लियर हो जाएगा कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है या फिर ये। तो अभी हम दोनों को ऑन करेंगे। तो कार तो हमारी ऑन है और इसके बाद हम इस पिगी को भी ऑन कर लेते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं हमारा पिगी भी ऑन हो चुका है और बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है हमारा पिगी, आप सभी देख सकते हैं। तो हम इस वाले रिमोट को हाथ में ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि साथ में इसे टैप करना होगा। और अब हम पिगी को रखते हैं और देखते हैं कौन किसे खींच पाता है। तो आप सभी देख सकते हैं कि हमारी कार आगे नहीं बढ़ पा रही है, कि हमारी कार खींच नहीं पा रहा है और हमारा ये जो पिगी है ये कार को खींच पा रहा है। आप सभी देख सकते हैं कि इस पिगी के सामने हमारी कार की थोड़ी भी नहीं चल रही है, ये पिगी हमारी कार को खींच ले जा रहा है और कार कुछ नहीं कर पा रही है। आप सभी पीछे वाली पहिया को देखिएगा, हमारी पीछे वाली पहिया नहीं चलती है तब भी ये इसे घसीटे हुए आगे ले जाता है। आप सभी देखिएगा ये वाली पहिया चल नहीं रही है फिर भी ये इसे खींच पा रहा है, और अगर हम बटन नहीं दबाते हैं तो ये पहिया घूमती चली जाती है, बहुत ही जल्दी चला जाता है ये। अगर हम बटन को टैप नहीं करते हैं तो बहुत जल्दी ये घसीटते हुए इसे ले जाता है। आप सभी देख सकते हैं अभी हमने बटन को टैप नहीं किया, बहुत जल्दी जा रही है। और अब हम बटन टैप करते हैं, देखते हैं कि ये कितनी धीरे धीरे जाती है। तो आप सभी देख सकते हैं ये पहिया नहीं घूम रही है फिर भी इसे खींचते हुए ले जा रहा है। तो अब इसे हम बंद कर देते हैं और ये सब करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये वाला हमारा ये जो हैप्पी पिगी है ये इस वाली रिमोट कंट्रोल कार से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस हैप्पी पिगी के सामने ये वाली रिमोट कंट्रोल कार कुछ भी नहीं है, इस हैप्पी पिगी के सामने इस वाली रिमोट कंट्रोल कार की नहीं चलती है। आप सभी वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। स्टार्टिंग में ही हमें लग रहा था कि यही जीतेगा, क्योंकि ये यार रुकता ही नहीं है कहीं पर, जहाँ पाता है वहाँ चला जाता है। यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, जरूर जरूर कर दीजिएगा लाइक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। My mind.